सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन और स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी दोनों नीकलैन गए हैं। अब आगे वेंचिंग के साथ काफ़ी देर तक विंग और वांग जी बैठे रहते हैं। अभी वेंचिंग थोड़ी नींद में है, थोड़े होश में है, लेकिन वो पहले से बेटर है, ये बात हीलर बताता है। काफ़ी देर तक वहाँ बैठ के वेंचिंग के पास कुछ कुछ बातें करता रहता है। विंग विंग वेंचिंग को बताता है कि वो काफ़ी समय से उसे ढूंढ रहा था और मतलब वो उसे मिलके काफ़ी खुश है। अभी विंग कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे वेंचिंग की तबीयत और बिगड़े, इसलिए वो लैन शिजोई के बारे में अभी वेंचिंग को नहीं बताता और ना ही वेनिंग के बारे में पूछता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हीलर ने बताया कि जब वेंचिंग बेहोश थी तो उसके मुंह में मतलब उसके मुंह से सिर्फ तीन ही शब्द निकल रहे थे, वेंचिंग विंग सेव वेनिंग। बस यही चीज़ निकल रही थी, वेनिंग विंग और सेव वेनिंग, ये बस यही चीज़ निकल रही थी। कहीं ना कहीं वह वेनिंग को सेव करने के लिए बोल रही थी, तो कहीं ना कहीं वेनिंग खतरे में भी है, लेकिन वो पहले से ही वेनिंग के नाम से ट्रॉमेटाइज है इसलिए वो उसका नाम नहीं लेता। अब वो दोनों वहाँ काफ़ी देर वहाँ बिताने के बाद वापस अब उस जगह जहाँ यानली ने उनके रोकने का इंतज़ाम किया वहाँ जाने लगते हैं। जब यानली उन्हें रोककर उन्हें खाने के लिए इनवाइट करती है, अब वो लोग हर चीज़ के लिए मना भी नहीं कर सकते ना चाहते हुए भी। यानली बहुत प्यार से जब बोल रही है कि उसने उन सब के लिए खुद कुक करा है तो वो ना चाहते हुए भी रुक जाते हैं। अब खाने की टेबल पर सब बैठे हुए हैं, वहीं मुनी हुसैन बहुत प्यार से खुद भी खा रहा है और बार बार ना था उस अपने नेफ्यू को यानी नीलिंग को भी खिला रहा है। जब भी हंसते बोलते हैं अब मुझे समझ में है नीलिंग तुम इतने गोलू गोलू से क्यों हो, क्योंकि नीलिंग से जितना तुम खुद खा रहे हो उससे ज़्यादा तुम नीलिंग को खिला रहे हो। तुम कितने बड़े हो उम्र में एज में और नीलिंग अभी बहुत छोटा है, तुम उसे इतना मत खिलाओ। बेचारा भी थोड़ा वरी करते हुए अपने कपलू से, क्योंकि वो भी तो अंकल है ना उसका नीलिंग का, तो बोल रहा इस बात पे। वह नीलिंग से एकदम से विंग को कुछ बोलने ही वाला था, अचानक से ये बीच में बोलते हैं बिल्कुल सही कहा तुमने विभूषण, यही बात मैं तुम्हें समझाता हूँ नीलिंग सेन, देखो यही चीज़ सब तुम्हें समझाएंगे, तुम इतना ज़्यादा इसे मत खिलाया करो, ये जितनी इसकी डाइट है उतना खुद खा लेता है और तुम इसे उसके बाद भी खिलाते रहते हो। अब कहीं ना कहीं नीमिंज विंग से बात कर रहे हैं या विंग के सपोर्ट में बोले, देख के वांग जी को गुस्सा तो आ रहा है पर वो चुप है। पर नीमिंज हिसन एकदम से बोलते हैं कदा आपको पता है आप जब छोटे थे ना आप इससे ज़्यादा खाते थे, आपकी वो बॉल दिखाऊं सबको जो आपके बचपन की बॉल है, अब मदर बताती थी आप दो बड़े लोगों के बराबर खाते थे और मेरा नीलिंग तो छोटा सा है वो तो कम ही खाता है, आप ऐसे कुछ मत बोलो मेरे नीलिंग को। नहीं हो सर तुरंत अपने प्यारे से नेफ्यू को अपने गले से लगा के प्यार करने लगता है, जिससे याली स्माइल करती है और एकदम से विंग की तरफ देखती है और बोलती है विंग तुम इसे नहीं समझा सकते, हम सब इसे बहुत समझाते हैं लेकिन तुम इसके और नीलिंग के बीच में कुछ नहीं कर सकते। नीलिंग सेन तुम्हारे नीलिंग के मतलब चक्कर में कब कुछ भी कर सकता है, तो तुम आप आराम से अपना खाना खाओ और ये बताओ तुम्हें कैसा लगा। याली अब टॉपिक चेंज करते हुए कहती है मैं ये तुम्हारे से पिंक के आगे एक सूप का बॉल रखते हुए कहते हैं ये खासकर याली ने तुम्हारे लिए बनाया, वो बता रही थी तुम्हें लोटस रूप सूप बहुत पसंद है। इस बात से बेचारा वांग जी को देखता है, क्योंकि वांग जी को ये नीमिंजे का उसे सूप देना कुछ अच्छा नहीं लगा, जो पिंक को महसूस हो गया पिंक क्यों अब पास अब वांग जी का अल्फा बाइट है तो उसे पता है कब वांग जी गुस्सा है, कब वांग जी खुश है और कब वांग जी थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है। कहीं ना कहीं विंग को अब ये सब फीलिंग्स आती हैं और ये चीज़ विंग को और खुशी देती है, इसलिए विंग थोड़ा स्माइल करते बोलता है मुझे पहले लोटस रूप सूट बहुत पसंद था लेकिन अब मेरा टेस्ट चेंज हो गया, अब मुझे लंजा के हाथ का वो चिली सूप पसंद है जो लंजा मेरे लिए बनाता है। आपको पता है सीजे आपसे भी टेस्टी सूट बनाता है लंजा और वो भी वेजिटेरियन, आपको यकीन नहीं होगा मैं एक वेजिटेरियन डिश इतने शौक से भी खा सकता हूँ। इस बात को बोलता हुआ विंग बहुत प्राउड है, क्योंकि जैसे उसका अल्फा उसके लिए कितने अच्छे अच्छे खाने बनाता है ये सबको बताना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात सुन के निमिंजे का चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है और वो सूप के बॉल वो जो उनके हाथ में था वो चुपचाप से टेबल पर रख लेते हैं। पयाली स्माइल करते हुए विंग की तरफ देखती है और बोलती है सचमुच में ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारा आइंग जो इतना ज़्यादा नॉनवेज पसंद करता था उसे एक वेजिटेरियन डिश पसंद आ गई, तो सचमुच में हंगुनजुन आप खाना बहुत अच्छा बनाते होंगे। ये बोलता हुआ याली काफ़ी खुश हो रही है पर न्यूज है और नीमिंजे को कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, वो दोनों चुप है। विंग वांग जी यहाँ सब लोग आराम से ही बात करते हैं,
कई बार पहले हर बार की तरह नहीं मुझे बात विंग से बात करने की, विंग को कुछ खाना सर्व करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन विंग भी हर बार की तरह उन्हें इग्नोर कर देता है और वांग भी उन्हें घूरता रहता है। भाई यहाँ ली चीज़ें समझ आते हुए बेचारी कोशिश तो कर रही है थोड़ा माहौल नॉर्मल हो जाए, पर उसे भी लग रहा है आइडिया ज़्यादा अच्छा नहीं है सबका एक साथ एक जगह बैठ के खाने का। इसलिए वो सोचती है कि अगली बार से वो वांग जी और विंग का खाना उन्हीं के महल में, यानी वो जो यहाँ पे उनका कॉटेज है रुकने का, वहीं भेज दिया करेगी। वहीं विंग और वांग जी जब रूम में वापस आते हैं तो आज वांग जी बहुत जेलस है, वांग जी को बहुत बुरा लग रहा है। हर बार जैसे ही नीम जी विंग को कुछ देते थे उसे इतनी जेलसी होती थी, धीरे धीरे करके वो जेलसी काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए जैसे ही वो लोग रूम में आते हैं तो वांग जी अपने ऊपर कंट्रोल लगा करके तुरंत विंग को अपनी साइड पुश करके वॉल पर पिन करता हुआ उसे घूर घूर के देखते हुए इंटेंसिटी की वाली नज़रों के साथ अब वांग जी की विंग के जहाँ पे उसने मार्क दिया है उस एरिया में अपनी नोज रब करने लगते हैं। विंग के लिए एक जैसे उसकी बॉडी में करंट लगा ऐसे फील हुआ। वांग जी आप विंग की उस सेंट लैंड में आपने मतलब विंग के सेंट को इनहेल करने के अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसका अल्फा जिसे वो बहुत दिन से कंट्रोल कर रहा है उसके ऊपर से कंट्रोल लूज करके नीमेजे को मार देना चाहता है जो वो नहीं करना चाहता। वह उन्हीं के क्लैन में आके वो कैसे सेक्रेटर पर अटैक कर देगा, इसलिए वो अभी अपने आप को शांत करने के लिए विंग के सेंट को ही इनहेल कर रहा है जिसका तरीका बहुत ज़्यादा विंग के लिए तो सेडेक्टिव है। इस समय विंग के दोनों हाथों को वांग जी ने पिन करा हुआ है और वो उसके बिल्कुल नेक के पास अपने नोज को रब कर रहे हैं जो विंग के लिए एक अजीब सी साउंड मुंह निकालने पे मुझसे मजबूर कर देते हैं। अब विंग के मुंह से पहली बार एक मॉर्निंग साउंड निकलता है। ये मॉर्निंग साउंड सुन के वांग जी अचानक से विंग को देखने लगते हैं जिसकी हालत काफ़ी बुरी हो गई है। वांग जी को पता ही नहीं चला वांग जी की ये हरकतें, वांग जी का ये एग्रेसिव अलग फेरोमोन्स और उसका जो सैंडलवुड स्मेल जो इस समय बहुत एग्रेसिव है कहीं ना कहीं विंग को हीट में ट्रिगर कर रही है। विंग की हालत कहीं ना कहीं वो हीट प्री हीट सिम्टम वाली आ गई है। विंग को देखते हुए वांग जी थोड़ा वरी होकर बताए विंग क्या तुम्हारी हीट आने वाली है, जैसे विंग खुद कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वांग जी का उसको मार्क करना ही उसकी बॉडी के लिए बहुत बड़ा चेंज था। अब उसका अल्फा जब भी उसके बहुत क्लोज आता है तो विंग को ऐसा ही लगता है जैसे उसे हीट आने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसा मतलब मेट्स के साथ ही होता है तभी तो ओमेगास को पता चलता है कि वो अपने अल्फा के साथ है, लेकिन विंग की हालत अब बिल्कुल ऐसी हो गई है कि वो कुछ ही पल में शायद हीट में आ जाएगा। उसके सेडेक्टिव ओमेगा फॉर्मन्स उसकी बॉडी से रिलीज होने लगे हैं और कहीं ना कहीं वांग जी की ये सैंडलवुड स्मेल उसे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अराउज फील कर रही है। अब वांग जी थोड़ा वरी होता हुआ क्योंकि वो अपने क्लैन में तो है नहीं किसी और क्लैन में है और यहाँ विंग का हीट में आना उसे थोड़ा टेंशन दे रहा है। कभी कोई मतलब नीम इंजो ही विंग पे अटैक ना कर दे क्योंकि ये तो सबको पता है कि नीम इंजो थे तो विंग के एक साइड के मेट ही, चाहे रिजेक्ट कर दिया है लेकिन है तो, और ऊपर से वो विंग की तरफ अट्रैक्टेड भी है ये चीज़ भी सब लोग जानते ही हैं। कहीं ना कहीं इस डर से अब वांग जी एकदम से विंग को अब अपने मतलब चेस्ट से लगा लेते हैं और बोलते हैं विंग हम तुरंत वैन क्लैन जा रहे हैं। इस बात पे विंग थोड़ा वांग जी से अलग होता है क्योंकि है अभी वो प्री हीट वाले फेस में तो पूरी तरह से हीट में नहीं आए और थोड़ा सेलेक्टिव वे में कहते हैं नहीं लंजा मुझे यहीं रहना है। विंग तुम्हारी हालत और ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, तुम्हारा यहाँ हीट में रहना सही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ लंजा, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ सेफ हूँ। कहीं ना कहीं विंग वांग जी पे पूरे आपके भरोसा कर रहे हैं, पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं। ये देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो जानता है कि अगर वो विंग के साथ यहाँ रहा तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लैंड क्लैन में वो विंग को कोल्ड केव में छोड़ सकता था, उसके सराउंडिंग में रह के सेफ कर सकता है, कोल्ड केव से बाहर किसी भी ओमेगा के फेरोमोन्स नहीं आते हैं तो वो वहाँ सेफ होगा, लेकिन यहाँ एक वो नीट क्लैन के एक नॉर्मल से महल में यहाँ से विंग की स्मेल भी बाहर जाएगी और वो विंग को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, उसे विंग के बिल्कुल पास रहना पड़ेगा और विंग के हीट में उसके पास रह के खुद पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो सकता है। इसे विंग की तरफ देखते हुए वांग जी तुरंत बोलते हैं विंग यहाँ हम सेफ नहीं हैं और मेरे लिए तुम्हारे पास हीट में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। क्यों लंजा क्यों ठीक नहीं होगा, क्यों सच जानने के बाद भी तुम अपनी नज़र मुझसे चुरा रहे हो, मैं समझ चुका हूँ तुम्हारा अल्फा मुझे चाहता है, मैं तुम्हारा मार्क्ड ओमेगा हूँ। विंग अब वांग जी की तरफ बिल्कुल पास आके उसके लिप्स के बिल्कुल क्लोज है और एकदम से बोलता है मैं तुम्हारा मार्क्ड ओमेगा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा अल्फा मुझे क्लेम कर चुका है, तुम मुझे अपना क्लेम कर चुके हो तो फिर क्यों तुम्हें मेरी हीट में मेरे साथ नहीं रहना। विंग इस समय कुछ हीट के नशे में है, वो जानता है
कि जो उसके सैंडलवुड स्मेल और जो उसका अल्फा फील करवा सकता है वो कोल्ड केव का मैंने फील कर सकता है। कोल्ड केव में उसे दर्द मिलेगा पर यहाँ उसे वो प्लेजर मिलेगा, वो प्यार मिलेगा जिसकी उसे क्रेविंग है। तो वो क्यों जाएगा कोल्ड केव में, वो तो यहीं रहेगा अपने अल्फा के साथ, अपने लंजा के साथ, और अपने लंजा के साथ ही अपनी हिट स्पेंड करेगा। इसलिए भी अब वांग जी को जब इस तरीके की बातें सेडक्टिव वे में कह रहा है तो वांग जी का अल्फा भी अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो जब तुरंत अब विंग पे अटैक कर देना चाहता है जो वांग जी समझ भी रहे। वांग जी थोड़ा सीरियस होकर अविंग के कंधे से उसे पकड़ के जोर से हिलाते हुए अपने से हल्का सा दूर करते हुए उसकी आंखों में इंटेंसिटी के साथ देखता है और बोलता है, विंग हम ये सब नहीं कर सकते, तुम हीट में हो, लेकिन क्या लंजा, क्या अभी तुम मुझे रिजेक्ट करोगे? क्या तुम भी मुझे निमिंजे की तरह रिजेक्ट करके जाना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ अपनी हीट मेरी हीट नहीं स्पेंड करना चाहते? कहीं ना कहीं विंग के बोलते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाता है। कहीं ना कहीं विंग को ये लगता है कि वो ही उसे प्यार करता है, लंजा को शायद लंजा नहीं करता, इसे वो उसे यहाँ से छोड़ के जाने की बात कर रहा है। ये बात सुनते ही वांग जी अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता तो विंग को जवाब कुछ बोल के नहीं बल्कि अपने उन लिप्स से देता है जो अब विंग के लिप्स से लॉक हो गए। अब वो बहुत ज़्यादा विंग को पैशनेटली किस करने लगता है ये जताने के लिए कि वो कभी विंग को रिजेक्ट नहीं करेगा, वो विंग को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर विंग सचमुच में उसका साथ एज अ हीट में पार्टनर चाहता है तो वो ये भी देगा। शायद विंग वांग जी से प्यार नहीं करता, बस एज अ अल्फा उसका साथ चाह रहा है तो वो ये देगा। कहीं ना कहीं विंग जी के दिमाग में ये आ रहा है, वांग जी को ये लग रहा है कि विंग अभी अपने हीट में है और उसे एक अल्फा चाहिए तो उसकी बॉडी, क्योंकि अब उसे उसने क्लेम कर दिया ना वांग जी ने, तो शायद उसका ओमेगा वांग जी को ही चाहता है तो वो उसे देगा। कहीं ना कहीं वांग जी ने थोड़ा सा इनपेशेंट होके विंग को मार्क कर दिया, कहीं वो उसे लग रहा है कि ये शायद उसी की गलती है। अगर वो विंग को मतलब मौका देता कि वो खुद अपने हिसाब से डिसाइड करे, खुद अपने हिसाब से उसे पहले उसकी हीट अकेले बितानी है या उसके साथ बितानी है, खुद डिसाइड करे तो ज़्यादा सही होता। हीट से पहले ही मार्क करके कहीं ना कहीं उससे ही गड़बड़ हुई है और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, वो विंग का उस हीट में पूरा साथ देगा। वो तो विंग को वैसे भी बहुत प्यार करता है तो विंग को पेन में कैसे देख सकता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अब विंग को पैशनेटली किस कर रहा है। वो बेसिकली विंग के साथ ऐसे नहीं स्पेंड करना चाहता था, वो चाहता था पहले वो उसे आई लव यू बोले, उसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, तब वो उसके साथ हीट स्पेंड करे। इसलिए शायद थोड़ा सा वांग जी परेशान तो है लेकिन हाँ वो खुश भी है कि वो अपने विंग का इसकी हीट में साथ दे रहा है। विंग और वांग जी अब पूरी तरह से इस केस में और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। धीरे धीरे विंग की बॉडी से वो हैंडफू भी उतरते जा रहे हैं और ऐसे ही वांग जी की बॉडी से भी। अब ये दोनों हाफ न्यूड पोजीशन में, इनकी अब बॉडी एक दूसरे को पूरी तरह से विजिबल है और विंग की बॉडी को देख के वांग जी की हालत बहुत बुरी है। वांग जी तुरंत विंग को अपनी गोदी में उठा लेते हैं और उसे बेड पर लेटा के उसकी पूरी बॉडी को घूर घूर के देखने लगते हैं। वहीं विंग वांग जी की नज़रों से ही इतना ज़्यादा हॉट फील कर रहे हैं कि अब उसके ऐसा लग रहा है कि जितनी जल्द हो सके वो ही विंग वांग जी के साथ वो सब स्टार्ट कर दे। वहीं वांग जी तो सब कुछ बहुत स्लो कर रहा है, वो एक एक चीज़ बहुत स्लो कर रहा है। उसके एक एक लिप्स विंग की पूरी बॉडी पे मूव कर रहे हैं, पहले चेस्ट पे, फिर घंटों तक निप्पल पे। विंग के मुंह से बहुत ज़्यादा वाइनिंग साउंड निकले हैं क्योंकि वांग जी को जैसे एडिक्शन हो गई है उसके निप्पल से। वो पहले एक बार को बहुत घंटों तक सक करता रहता है और दूसरे से फिंगर से खेलता रहता है, फिर दूसरे को सक करता है और पहले के साथ फिंगर से खेलता रहता है। ये विंग के लिए एक जैसे वांग जी का एक स्वीट टॉर्चर है जो वो उसकी बॉडी के साथ करें। अब विंग से अपने ऊपर सबर नहीं होता और जल्दी से वांग जी को फ्लिप कर देता है और अब वो वांग जी की बॉडी को किस करना लगता है ताकि वांग जी को भी फील हो कि समय विंग को कैसा लग रहा है। धीरे धीरे विंग ने अब वांग जी के वो लास्ट क्लोथ जो उसकी बॉडी से था वो भी रिमूव कर दिया और खुद भी आज वांग जी और विंग अपने आप को बहुत आगे तक ले गए हैं। आज वांग जी और विंग अब एक दूसरे के साथ वो सब करने लगे हैं जो शायद वो दोनों कई दिनों से करना तो चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। विंग की अचानक से आई है हीट, वो सब कर चुके हैं। आज विंग और वांग जी एक हो चुके हैं। हर बार वांग जी विंग के अंदर ही नोटेड हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी वांग जी का अल्फा है जो वो करना चाहता है। वो विंग को इमेजिन कर रहा है बेबीज के साथ। आज जब वो लोग यहाँ आए थे वो क्यूट सा प्यारा सा नीलिंग को देख के वांग जी के मन में भी एकदम से आया था कि उसका और विंग का बेबी कैसा होगा, क्या वो इतना ही क्यूट होगा, क्या वो भी ऐसे ही चबी चबी होगा।
या वो वहीं की तरह एक क्यूट सा एक मतलब बनी टीथ वाला होगा। कितने सारे बेबीज की एक इमेजिनेशनी इमेज आने लगी थी वांग जी के दिमाग में, शायद वो इमेज इमेज अब विंग के बॉडी में यानी विंग के बेबीज के थ्रू वो देखना चाहता है, इमेजिन करना चाहता है उसका और विंग का बेबी कैसा होगा, इसलिए वो हर बार विंग को नोटेड कर रहा है। वहीं विंग भी हर बार जब वांग जी उसे ये सब कर रहा है तो और ज़्यादा उस चीज़ के लिए और ज़्यादा विंग वांग जी को अग्रेसिव होने दे रहा है। वहीं इन दोनों ने दूसरे के कैन में इस तरह से खुलेआम ये सब आवाज़ें निकाल रहे, ये देख कर कहीं ना कहीं न्यूसैन और नी मिंजे शॉक है। वो लोग ये मतलब वांग जी और विंग ये भी भूल गए कि कहीं वो साइलेंसिंग स्पेल लगाना भूल गए। विंग की वो मॉर्निंग साउंड बार बार लंजा लंजा करके जोर जोर से मॉर्निंग करना अब उनके महल तक आ रहा है, जिसे कहीं ना कहीं न्यूसैन को बहुत ब्लश फिट हो रहा है और वो दौड़ के जाके उस रूम के चारों तरफ साइलेंसिंग स्पेल लगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं निमंजे के हाथ उससे में टाइट हो जाते हैं। निमंजे को अल्फा को लगता है जैसे वांग जी ये जान पूछ के कर रहा, वो जान पूछ के ये सब विंग के साथ कर रहा है ताकि वो उसे दिखा सके कि अब विंग उसका है। वांग जी शायद जानबूझ के तो नहीं कर रहा लेकिन हाँ विंग वांग निमंजे को जिस तरह से इस समय इन दोनों की ये आवाज़ें जो बाहर आ रही हैं वो ट्रिगर कर रही हैं, ये तो वहाँ से तुरंत अपना महल छोड़ के अपने बॉर्डर्स पे चले जाते हैं क्योंकि वो अब शायद बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं कहीं ना कहीं। यानी जब देखते हैं कि अभी भी ये सब चीज़ें उनके हस्बैंड को इफेक्ट करते हैं तो उन्हें अपनी मदर पे और गुस्सा आ रहा है। उसे लग रहा है किसकी मदर ये क्या कर बैठी, उनकी मदर की बातों में आके ये यानली क्या कर बैठी। जहाँ एक तरफ यानली इन अभी भी खुश नहीं है अपनी मदर की हरकतों के कारण, वहीं दूसरी तरफ जेंचा अब खुश है। जेंचा आज काफ़ी खुश है क्योंकि जैसा विंग ने कहा था वो वहाँ लैंड शिचैन के रूम में जब आ गया तो शिचैन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया बल्कि बड़े प्यार से वो वांग जांगचैन के साथ वैसे ही रहने लगे। कहीं ना कहीं जांगचैन और शिचैन एक नॉर्मल कपल वाली अब लाइफ बिता रहे हैं, ये देख के जांगचैन को मन में बहुत खुशी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जब विंग और वांग जी लैंडलाइन से निकले थे उसे कुछ समय बाद ही यहाँ पे वांगुई आई थी। वांगुई को बताया गया कि विंग और वांग जी यहाँ नहीं है बल्कि वो निकलैंड गए, तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो निकलैंड क्यों गए, लेकिन उसे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात दिमाग में आई कि वो अब कैसे वैनक्लैंड तक वो खबर पहुँचाए, वो कैसे वैनक्लैंड को बताएं कि अब उन्हें कब अटैक करना है, क्योंकि वो तो यहाँ यही सोच के आई थी कि वो तुरंत यहाँ देखेगी कि विंग और वांग जी हैं तो वो वैनक्लैंड को इन्फॉर्म कर देगी कि वो अटैक कर दें, लेकिन आज विंग और वांग जी यहाँ नहीं है। इस चीज़ की वजह से उसने वैनक्लैंड को संदेश पहुँचा दिया कि अभी उन्हें अटैक नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वेंचिंग अब काफ़ी बेटर है, सुबह मॉर्निंग में वेंचिंग को प्रॉपर होश आ जाता है और वो पहले की तरह नॉर्मल बातें भी कर रही है। विंग उसके रूम में उससे मिलने नहीं आया बल्कि याली और नी हुसैन आए, ये देखकर वेंचिंग थोड़ा परेशान होती है। पहले उन दोनों को बो करती है और फिर विंग कहाँ है पूछने की कोशिश करती है, जिसे वह याली थोड़ा ब्लश करते हुए पर नी हुसैन बिल्कुल बेशर्मों की तरह बताते हैं कि विंग अपने अल्फा के साथ अपनी हीट स्पेंड कर रहा है, शायद 2-3 दिन बाद वो वेंचिंग से मिलेंगे। ये सुन के अचानक से वेंचिंग शॉक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से बोलती है अल्फा विंग का अल्फा, हाँ आपको शायद पता नहीं लेकिन अब हमारे वी ब्रदर का पास उनका अल्फा है, उनकी सेकंड प्रिंस ऑफ गोसू से शादी हो गई है, वो लांग वांग जी के ओमेगा बन गए हैं। ये बात सुन के वेंचिंग अचानक से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, उसकी आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं और वो एकदम से बोलती लेकिन सेकंड प्रिंस ऑफ गोसू और फिर एक दूसरे से मिले कब, वैसे जितना हमें पता है ये शादी पहले सिर्फ जियांग्स क्लैन और लैन क्लैन के बीच में एक अलायंस के थ्रू हुई थी, लेकिन जितना मैंने रात भर आवाज़ें सुनी हैं उसके बाद मुझे लगता है कि ये कहीं से कोई अलायंसेस तो नहीं है बल्कि ये हमारे सेकंड प्रिंस ऑफ गोसू और वी ब्रदर एक दूसरे से काफ़ी प्यार कर रहे हैं, मैंने कल देखा भी था उन दोनों ने एक दूसरे को मार्क भी कर लिया। ये बात सुनने के बाद तो और ज़्यादा वेंचिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे लगता है अभी तो उसे लगा था कि वो भी एक हैप्पी लाइफ बिता सकती है, वो अब विंग के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती है, लेकिन ये क्या हुआ, इस वेंकलर ने सिर्फ उससे उसका ब्रदर नहीं छीना बल्कि इस समय में उससे उसका विंग भी छीन गया। अब विंग अब उसका शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि विंग किसी और का हो चुका है। ये बात सोच के वेंचिंग को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो अपनी आँखों को अपने दर्द को अपने आंसू को छुपाते हुए अपने चेहरे पे स्माइल रख के बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर विंग खुश है तो
ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, उन लोगों में से नहीं है जो जले गुस्सा हो, लेकिन हाँ उसके अंदर की एक नेगेटिव एनर्जी उसे इस चीज़ के लिए गुस्सा दिलाने पे मजबूर करें। बेंचिंग के शरीर में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया और उसे ये चीज़ अब महसूस नहीं हो रही है। उस दिन उस घायल हालत में जब वो उस डार्क रूम में थी, जिस रूम में किसी का नॉर्मल रुकना बहुत मुश्किल होता है, तो उस रूम में बहुत सारी डार्क एनर्जी ने उसकी बॉडी में एंटर कर दिया था, जिसके बारे में अभी वेंचिंग को नहीं समझ आ रहा, लेकिन आगे जब उसे ज़रूर पता चलेगा। वही डार्क एनर्जी कहीं ना कहीं वेंचिंग के अंदर वांगजे के लिए गुस्सा दिला रही है, लेकिन वो फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल करके खुश हो रही है, अकेले खुश। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांगजी की, मतलब विंग की हीट और वांगजी उसके साथ 5 दिन तक रहता है। ये 5 दिन तक हम रूम से बाहर नहीं निकलते। फाइनली विंग और वांगजी अब बाहर निकलते हैं, जहाँ वांगजी और विंग इस पूरे 5 दिन में एक दूसरे से सिर्फ प्यार ही करते रहे। एक दूसरे को फीलिंग एक्सप्रेस करने का तो टाइम ही नहीं मिला, एक दूसरे के साथ वो सब करने में इतना जो बिजी थे। कहीं ना कहीं अब जब विंग की हीट खत्म होती है तो उसे अब वांगजी से न सिर्फ मिलाने में बहुत ब्लश फील हो रहा है, क्योंकि अब वो और वांगजी जिस तरीके से आगे बढ़े हैं उस तरीके से अब विंग को वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा ब्लशिंग फील हो रहा है। उसकी वो मॉर्निंग साउंड जो उसने पूरी 5 दिन तक वांगजी के कानों में मतलब थी और वो बोल कर रहा था, उन चीज़ों को सोच के उसे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को अपनी ब्लशिंग फेस को छुपाते हुए रूम से बाहर आती सबसे पहले वेंचिंग से ही मिलने की बात करता है। जब वो वेंचिंग के रूम में जाता है तो देखता है वेंचिंग के अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हालत है। हाँ, उसके घाव के निशान हैं, घाव पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं, लेकिन अब वो बहुत आराम से अपने बेड पे बैठ के कुछ सूप पी रही है। जब वहाँ विंग को आके देखकर वो अचानक से वो सूप साइड पे रख देती है। विंग दौड़ के अब बिल्कुल वेंचिंग के पास आता है, खुशी से वेंचिंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है वेंचिंग तुम्हें अब अच्छा लग रहा है, तुम ठीक हो ना वेंचिंग। वेंचिंग स्माइल करते हुए अब विंग की तरफ देखती है, अब बोलती है हाँ विंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ ना वेंचिंग, वेनिंग कहाँ है? अविंग जो शायद सबसे पहले यही जानना चाहता था वेंचिंग से, लेकिन उस दिन पूछ नहीं पाया था, वो अपने ऊपर सबसे पहले यही सवाल पूछता है। जैसे वेंचिंग अचानक से अपनी आँखें नीचे करती है और रोते हुए बोलती है वो हमें छोड़ के चला गया अविंग, मेरे पास अब कोई नहीं बचा, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी फैमिली सब मुझे छोड़ गए अविंग, आज मैं बिल्कुल अकेले हूँ। आज मुझे महसूस हो रहा है जब तुम मुझसे कहते थे कि इस दुनिया में अकेले होना कितना पेनफुल है, इस बात से विंग को अचानक से वेंचिंग के लिए बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत वेंचिंग के हाथों को पकड़ता है और प्यार से बोलता है पर तुम अकेले नहीं हो वेंचिंग, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हें अपने साथ अपने क्लैन लेके जाऊँगा, हम लैंड क्लैन जाएंगे, तुम वहीं रहा करोगी। विंग बहुत कॉन्फिडेंस से जैसे ही ये बोलता है, ये बात सुन के वेंचिंग बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगती है और बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो विंग, लैंड क्लैन की हूँ मैं, और तुम्हें लगता है तुम्हारा क्लैन लैंड क्लैन मुझे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, ऐसे तुम क्यों सोच रही हो? पहले मेरी बात पे भरोसा करो, अपने दोस्ती पे भरोसा करो, मैंने तुमसे कहा है ना मैं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ वेंचिंग मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक दे सकता हूँ, मैं तुम्हें आप इस दुनिया में वो अकेले वाली ज़िंदगी नहीं बिताने दूंगा जो मैंने बिताई है। वे कॉन्फिडेंस से ये बात बोला बिना डरे कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वेंचिंग का साथ देने के बारे में जो विंग बोल रहा है, कहीं वो आगे उसके और लंजा के बीच में कितनी बड़ी परेशानी ना बन जाए। वो बिना ये सोचे समझे एक बहुत बड़ा वादा वेंचिंग से कर रहा है। वहीं वांगजी भी बहुत प्यार से पीछे खड़े होकर जैसे विंग का साथ दे रहा है ऐसा ही फील हो रहा है। कहीं ना कहीं वेंचिंग की आंखों में अचानक से चमक आ जाती है, क्या हुआ? वो अपने विंग के साथ प्यार एज अ अल्फा उसके साथ नहीं रह सकती, लेकिन दोस्त बनके तो रह सकती है ना, वो अपने विंग के साथ पूरी लाइफ दोस्त बनके रहेगी, अपने विंग के पास रहेगी, इसलिए वो भी इमोशनल होके अपनी गर्दन हाँ की तरफ हिला देती है। विंग वहाँ से बाहर आके अब वांगजी की तरफ देखता है और थोड़ा इमोशनल होकर कहता है मुझे माफ़ कर दो नालंजा, मैंने तुमसे बिना पूछे वेंचिंग को अपने साथ लैंड क्लैन ले जाने की बात की, तुम्हें पता है मैं यहाँ इंग्लैंड नहीं रह सकता और वेंचिंग अब बिल्कुल अकेले हैं, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता था। कोई बात नहीं विंग, तुमने जो बोला वो सही बोला, और वह सचमुच में हमारा अब इंग्लैंड में ज़्यादा रुकना सही नहीं है, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला है ब्रदर, और बाकी सब लोग भी हमारे लिए वरी होंगे, मैं तुरंत वेंचिंग का लैंड क्लैन ले जाने का इंतज़ाम करता हूँ। इस बात पर विंग इमोशनल होकर अब वांगजी की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला देता है। विंग को पता है ये चीज़ इतनी आसान नहीं होगी, लैंड क्लैन के लोग एक वैन क्लैन के पैक के मेंबर को अपने पैक में लाने के लिए कम्फर्टेबल नहीं होंगे,
लेकिन वो क्या करे, वो सचमुच में वेंचिंग को ऐसे अकेले नहीं देख सकता। वैनिंग की डेथ का उसे भी बहुत दुख हो रहा है, उसकी आंखों में वैनिंग के लिए डेथ का भी दुख है। और वेंचिंग को अकेले इस शहर, मतलब पूरी कल्टिवेशन वन में बिल्कुल अकेले हो गए ना वो, छोड़ना उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। विंग और वांग जी अब लैंड प्लान पहुँचते हैं, लेकिन वो लैंड पैक अकेले नहीं बल्कि एक वैन पैक के मेंबर यानी वेंचिंग के साथ आए। ये देख कर लैंड कुरैन और बाकी लोग भी थोड़ा नाराज हैं। कहीं वहीं मैं मांगुई के चेहरे पे हल्की सी एक कनिंग स्माइल है, क्योंकि वो अब काफ़ी दिन से विंग के प्रति बाकी क्लैंस के मेंबर को भड़का तो रही थी, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं रहा था, क्योंकि विंग कुछ ऐसा गलत करता ही नहीं था। वो लैंड पैक में अच्छे से रहता था, लानकुरैन की भी रिस्पेक्ट करता था, और लानकुरैन ने जो उसके लिए वहाँ पे जिन पैक में स्टैंड लिया था वो इसी वजह से लिया था, क्योंकि विंग ने कभी कुछ ऐसा अफेंडिंग किसी को गलत करने, मतलब गलत करा ही नहीं था। लेकिन पहली गलती विंग कर रहा है, आज पहली बार वो लैंड पैक के रूल भी तोड़ रहा है, और काफ़ी सारे लैंड पैक के लोग भी उसके अगेंस्ट आ गए हैं, जिससे वांगुई तो बहुत खुश है। वहीं लानकुरैन गुस्से में अब विंग और वांगजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये वैन पैक का मेंबर हमारे एक पैक के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, तुम इस वेंचिंग को अपने साथ क्यों लेके आए हो विभूषण? जब लानकुरैन आज गुस्से में विंग से बात करते हैं तो विंग तुरंत अपने घुटनों पर आके अपना सर नीचे कर लेते हैं और थोड़ा इमोशनल होकर बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा अंकल, मैं आपको या हमारे पैक को इंसल्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वेंचिंग का वैन पैक से कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी वैनरान या उस पैक से कभी मतलब नहीं रखती थी, वो तो अलग इलिंग में रहती थी और वो वैन पैक से अलग ही थी। मैं एज अ दोस्त उसे इसलिए शेल्टर देना चाहता हूँ, अभी उसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, उसके पास कोई पैक नहीं है और वो बहुत घायल है। मेरा इंटेंशन सिर्फ एक भले काम का था, आप लोगों को गुस्सा दिलाने का नहीं था। वे अपनी बात जब क्लियरली बड़े प्यार से रखता है तो कहीं ना कहीं लानकुरैन थोड़ा गुस्सा तो शांत होता है, लेकिन वो फिर से बोलते हैं, पर ये है तो वैन पैक की मेंबर ही, कहीं ना कहीं वैन पैक से इसका रिलेशन है। हम वैसे वैन रोहन और वेंचू और वेंचाओ से दुखी हैं, अगर हम उसके पैक का एक मेंबर ले आए और फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे विभूषण? कहीं ना कहीं कुरैन जब गुस्से में ये बात बोलते हैं तो लान शिचैन और डंग चैन जब वहाँ पहुँचते हैं वो ये सारा नज़ारा देखते हैं तो वो भी कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन कोई एक इंसान है जो सबसे आगे आता है और सबके सामने बोलता है, वेंचिंग का वैन रोहन से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वेंचिंग का लैंड क्लैन से एक कनेक्शन है और उसके कारण ही वेंचिंग यहाँ रह सकती है। ये बात जब वांगजी बोलता है तो सब लोग वांगजी को शॉकिंगली देखने लगते हैं, लैंड क्लैन से क्या संबंध वेंचिंग का, सब लोग यही सोच रहे हैं। अब वांगजी अपनी बात पूरी करते हुए बोलते हैं, वेंचिंग शिजोई की आंट थी। अब सब लोग एकदम से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लैन शिजोई लैंड पैक का मेंबर था और लैन शिजोई की आंट इनडायरेक्टली मतलब ये रिलेशनशिप में तो हुई ना लैंड पैक के। कहीं ये बात सुन के अब कुरैन शॉकिंगली लैन शिजैन की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा शिजोई इसको पैक में नहीं रखने के ऊपर और शिजोई को ना पसंद करने के पीछे लैन शिजैन थे, लेकिन आज शिजैन बिल्कुल उल्टा करते हैं। आज वो शिजोई के नाम से नाराज नहीं हुए बल्कि आगे आके बोलते हैं, अगर वेंचिंग लैन शिजोई की आंट थी तो सचमुच में उनका लैंड पैक से एक रिलेशन है और उस हिसाब से वो लैंड पैक में रह सकती हैं। इससे सब शॉक हो जाते हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो कल देखेंगे अब वेंचिंग का लैंड पैक में आने से क्या नया कहानी में ट्विस्ट आएगा।